झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन द्वारा चंदन क्यारी प्रखंड के मुरलुडी गांव में मनरेगा योजना के तहत काम कराने वाले ग्रामीण मनरेगा मजदूरों के साथ एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां सेमिनार में मुख्य रूप से झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के महासचिव डीसी गोहाई उपस्थित रहे। मौके पर गोहाई ने उपस्थित सभी मजदूरों को मनरेगा एक्ट का पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी ग्रामीण मनरेगा मजदूरों की जॉब कार्ड बने हैं और एक साल में 100 दिन का काम नहीं मिला है, वैसे मजदूरों के खाते में सरकार का 100 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराना ही होगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों के न्याय के लिए कोरोना काल समाप्त के बाद बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और राज्य व केंद्र सरकार को अपने समस्या से घेरेंगे और मनरेगा योजना की हक व अधिकार लेकर रहेंगे। गोहाई ने कहा कि चंदन क्यारी में स्थापित इलेक्ट्रो स्टील वेदवंता कंपनी के खिलाफ एक बड़ा यूनियन खड़ा करेंगे, ताकि वेदवंता कंपनी के प्रबंधन को सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक कंपनी में काम करने वाले यहाँ स्थानीय लोग 75% होनी चाहिए, अन्यथा झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध हो जाएगा। चंदन क्यारी से संजय महता की रिपोर्ट। कौन सी कार्यक्रम मतलब आपका कर रहे हैं आज? आज इस चंदन क्यारी में मनरेगा मजदूरों की एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन, कोविड का जो प्रावधानों को हम लोग मद्देनजर रखकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मजदूरों का कौन सी मतलब पाठ पढ़ाए जाए, कौन से क्या मजदूरों को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, मजदूरों के साथ क्या कौन सी वार्ता कर रहे हैं आप? एक्चुअली मनरेगा का जो कानून है, इस कानून में बहुत सारा स्पष्ट निर्देश है जो ग्रामीण में पंचायत में जो मजदूर है जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई आर्थिक उसका आधार नहीं है, कोई उसका इनकम नहीं है, इनकम सोर्स नहीं होने का मजदूर को, ये जो विकास है ग्रामीण एरिया में जो विकास है उस विकास में इनका योगदान सरकार के ओर से लेते हैं, उसके एवज में उनका न्यूनतम मजदूरी है, अन्य सुविधाएं है और उनको मजदूरों को साथ में जो ढंग से जीवित रहे और उनके लिए वो काम करने के लिए सुचारू रूप से उनका जुगाड़ भी दिया जाता है। इससे मजदूर को दूर जाने के लिए साइकिल दिया जाता है, उसको बेलसा दिया जाता है काम करने के लिए, उनको बाकी जो जो मशीन है छोटा मोटा वो दिया जाता है, महिला को भी सिलाई मशीन दिया जाता है, तमाम चीज का वहाँ ये सरकारी कानून में इस चीज घोषणा किया जा रहा है।